तपोवन संस्कृत पाठशाला आयोजित जीवन के लिए कुछ रहस्यपूर्ण बातें। माया मुर्शावाद भाग दो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि माया मुर्शावाद करने से कितना लॉस होता है। माया मुर्शावाद की द्रुति प्रवृत्ति से हृदय में रहा मैत्रीभाव नष्ट हो जाता है। माया मुर्शावाद का प्रकट हो जाए तो दुनिया में भी अपकीर्ति निंदा होती है और परलोक में तो उस आत्मा की अवश्य ही दुर्गति होती है। जिस व्यक्ति के दिल में दुर्गति का भय रहा हुआ है वह व्यक्ति को माया मुर्शावाद के पाप से अपने आप को दूर ही रखना चाहिए। सामान्य रूप से झूठ बोलने से जो पाप लगता है उससे भी अनेक गुना पाप माया पूर्वक झूठ बोलने से लगता है। जिस प्रकार चूहा फूक मारकर डरता है उसी प्रकार माया मुर्शावादी अपने वचन में मधुर रस डालकर झूठ बोलता है, परंतु इस प्रकार झूठ बोलने से भी व्यक्ति दुर्गति के अपने आप को बचा नहीं पाता है। आत्मरंजन के बजाय जो माया का आश्रय कर जनरंजन लोक रंजन के लिए दूसरों को धर्म का उपदेश देता है उसके उपदेश का श्रम निरर्थक ही जाता है। माया पूर्वक झूठ बोलना यह हमें दंभ कहलाता है। इस प्रकार जो दंभ करता है वह दंभ उसकी आत्मा के लिए खूब हानिकारक होता है। जिस प्रकार सांप का कोई विश्वास नहीं करता है उसी प्रकार दंभी व्यक्ति भी सर्वत्र अविश्वास का पात्र ही होता है, इसलिए दंभ का त्याग अवश्य करना चाहिए। मोहनीय कर्म के उद्देश्य के कारण व्यक्ति माया करता है और माया करके पुनः मोहनीय कर्म का बंद करता है। मोहनीय कर्म के उदय से मुर्शावाद के सेवन से व्यक्ति का ज्ञानामणीय कर्म का बंद करता है। इस प्रकार माया पूर्वक मुर्शावाद के सेवन से ज्ञानावरणीय और मोहनीय दोनों प्रकार के कर्मों का होता है। आत्महितेच्छुक को जीवन में अपने इस पाप का अवश्य त्याग करना चाहिए। ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।